मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु तेग बहादुर के शहीदों पर्व पर गुरुद्वारा जटा शंकर पहुंचे। उन्होंने वहां मत्था टेका है और विश्वास व्यक्त किया है कि अपने पूर्वजों संतों गुरुओं और महापुरुषों से प्रेरणा लेकर समाज आगे बढ़ेगा। और उन्होंने मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सिख गुरुओं का एक गौरवशाली इतिहास है। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह महाराज तक भक्ति और भक्ति का एक अद्भुत समन्वय जो प्रत्येक भारतीय के मन में न केवल धर्म और संस्कृति के संरक्षण के प्रति बल्कि प्रत्येक भारतीय को अपने मातृभूमि के प्रति उतना ही आग्रह बनाता है। गुरु तेग बहादुर जी के महाराज ने ही उस कालखंड में जब ये देश औरंगजेब के अत्याचार से करा रहा था, जबरन धर्मांतरण हो रहे थे, जबरन सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए उसके क्रूर अत्याचार चरम पर थे, केवल कश्मीर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान कांप रहा था। तब औरंगजेब की बर्बरता के खिलाफ किसी ने मजबूती के साथ आवाज़ उठाई थी और उस समय की आवाज़ थी गुरु तेग बहादुर जी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दौरे के दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर के जनता के दर्शन आए हुए फरियादियों की फरियाद सुन उनके निराकरण का अधिकारियों को निर्देश दिया। और इस दौरान जनता लगभग आपको बता दें कि 600 लोगों से सीएम मिले हैं और जिनकी समस्याओं को सुन उनके निराकार के लिए भी संबंधित अधिकारियों को सीएम ने निर्देश भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक में पढ़ने वाले छात्रों को शैक्षिक और सत्र 2022 और 2023 से छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से इस बारे में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और पिछले साल मदरसों में पढ़ने वाले 8वीं कक्षा तक के लगभग 6 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति मिली थी। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को एक वर्ष में 1,000 रुपये दिए जाते हैं, जबकि 6वीं की बात कर ले और 6वीं से 8वीं तक के लिए छात्रवृत्ति की राशि अलग अलग है। केंद्र सरकार ने कहा है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 1ली से लेकर 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई मुफ्त कर दी गई है, इसलिए 8वीं कक्षा तक के बच्चों को छात्रवृत्ति देने का औचित्य नहीं है। और तब प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप शिक्षा सिर्फ कक्षा 9 से 10 के ही पात्र विद्यार्थियों को मिलेगी। गौरतलब है कि मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यार्थियों की तरह ही दोपहर का भोजन, यूनिफॉर्म, किताबें मुफ्त दी जाएंगी। और पहले परिषदीय विद्यालयों के 8वीं कक्षा तक के छात्रों को भी छात्रवृत्ति मिलती थी, लेकिन शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 8वीं तक की शिक्षा निःशुल्क किए जाने के बाद इसे कुछ साल पूर्व बंद कर दिया गया था। लखनऊ में बीचों बीच सड़क धस गई है और जिसके कारण नगर निगम की पोल खुल चुकी है। आपको बता दें कि विकास नगर क्षेत्र के शंकर जी की मूर्ति के पास में लगभग 25 फीट तक सड़क धस गई है। अच्छी खबर ये रही कि इस दौरान किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। आपको बताते चले कि मौके पर प्रभारी निरीक्षक विकास नगर अजय कुमार सिंह भारी फोर्स के साथ मौजूद रहे और वहीं सड़क पर बैरिकेडिंग लगवा कर रास्ता बंद करवाया गया है। विकास नगर की सड़क सरकार के घटिया कार्यों को बयां करती है। विकास कार्य के नाम पर लाखों रुपए डकार जाने वाले सभासद मामले पर नदारद हैं और हो भी क्यों ना, उन्हें तो जनता और जनता की समस्या सिर्फ वोट मांगने के लिए समय नजर आती है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो हेड दानिश वारसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, करीब 25 फीट सड़क बताई जा रही है धसी हुई है, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। देखिए, राजधानी की ये सड़क है और विकास नगर अंतर्गत में आती है और ये सड़क अचानक धस गई है और बीचों बीच से धस गई है। तो अभी बारिश का मौसम भी नहीं है, बारिश का मौसम होता तो एक बार सोचा जाता है कि चलिए नमी पानी से सड़क धस गई, लेकिन बारिश का बंद हो जाने के बाद भी सड़क का धस जाना कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि निर्माण कार्य में धांधली हुई है या फिर इस निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग हुआ है जिस तरीके से सड़क को धस गई है। जब सड़क धस गई है, राजधानी का मामला है और राजधानी के मामले में अगर सड़क धस जाएगी तो सवाल उठने लाजमी है। एक तरफ तो मुख्यमंत्री का गड्ढा भरो मुक्त अभियान चल रहा है जिसमें मंत्री जितिन प्रसाद से लेकर के तमाम अधिकारी गंभीर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी तक 30 नवंबर की डेडलाइन थी वो आने वाली है और गड्ढों की स्थिति अभी भी बदहाल है।
और जो बनी बनाई सड़क थी यानी फ्रेश सड़क थी वो बीचों बीच सड़क पे अचानक धस जाती है। तो मुझे क्या लग रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जब गड्ढे मुक्त सड़कों का अभियान चलाया जा रहा है, तो जहां पर गड्ढे पहले से ही हैं, जो बारिश की वजह से खराब हुई थी रोड है उनको मुक्त नहीं किया गया, और जो सही सलामत रोड थी लखनऊ राजधानी के अंदर वो अचानक गड्ढे में धसते हैं जबकि बारिश का कोई सीजन नहीं चल रहा है। तो मुझे लगता है कि क्या ये ठेकेदारों की मिलीभगत से खेल हो रहा है, या ठेकेदारों ने जानबूझकर ऐसी सड़कें बनाई हैं कि जब गड्ढे होंगे सड़कें घटिया क्षतिग्रस्त हो जाएंगी तो फिर एक रिपेयरिंग का टेंडर निकलेगा और फिर उनके लिए कमाई का जरिया बनेगा। ये भी एक सोचने वाली बात है। और राजधानी के अंदर जो सड़क का जो गड्ढा है जिस तरीके से अचानक सड़क धसी है, हादसे से भले बाल बाल लोग बच गए हों लेकिन ये हादसे को दावत देने के साथ करप्शन पर भी सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल दानिश, ये हादसे को जरूर दावत देता हुआ दिखाई दे रहा है। 20 सड़क में अचानक से ये सड़क धस जाना, और इससे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। अगर सड़क ये धस गई है तो आगे भी ऐसा कोई हादसा होने की पूरी संभावना जताई जा सकती है। दानिश जी, देखिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि राजधानी के अंदर अचानक सड़क धस गई बारिश के मौसम में। मुख्यमंत्री ने कहा था कि बारिश के बाद ठीक सड़कों को दुरुस्ती कर काम किया जाएगा। पहले 15 नवंबर थी, 30 नवंबर की गई, क्योंकि समय से काम पूरा नहीं हो पाया। और एक तरफ अचानक जो ऑलरेडी फ्रेश सड़क थी राजधानी के अंदर बीचों बीच, वो अचानक सड़क का धस जाना है, तो मुझे अब लग रहा है कि सड़कों के एक तरफ दुरुस्तीकरण का कार्य चलता रहेगा, जो सड़कें दुरुस्त समय पर नहीं हो पाएंगी। दूसरा, जहां पर जो सड़कें सही सलामत हैं, जब वही गड्ढे में धसती रहेंगी तो मुख्यमंत्री कितनी बार डेट जारी करेंगे? और ऐसे ठेकेदारों पर लगाम लगानी चाहिए। और करप्शन पर सबसे ज्यादा चाबुक अगर मुख्यमंत्री चला रहे हैं जिनमें उनका जीरो टॉलरेंस का वादा है, तो सबसे ज्यादा इस पर जो है इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। जो भी ठेकेदार इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं उनसे इसकी रिकवरी करनी चाहिए, ताकि भविष्य में सड़क जो सही सलामत वो धसने न पाए, धस जाए तो उसमें टेंडर की प्रक्रिया दोबारा टेंडर रिपेयरिंग का खेल न होने पाए, इससे कमीशन खोली खेल बंद हो। बिल्कुल दानिश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। खबर गाजीपुर से है, जहां करंडा विकास खंड के ही सलारपुर गोमदेवपुर चट्टी पर ही गड्ढा मुक्त युक्त सड़क से आए दिन दुर्घटना होती रहती है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 नवंबर तक सड़क को गड्ढा मुक्त करने का फरमान जारी किया था। फरमान की अवधि समाप्त होने के बाद भी जिले के कई इलाकों की सड़कें अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं, और जाने अनजाने में इन खराब सड़कों की वजह से काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सीएम के फरमान के बाद भी सलारपुर चट्टी की सड़क की सूरत नहीं बदली दिखाई दे रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ गाजीपुर से संवाददाता मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, सड़कों का हाल बेहाल नजर आ रहा है। जी, आपको बता दें कि ये जो है विधानसभा सदर का मामला है, जहां पर जो सड़कें अभी भी बदहाल हैं। और आपको बता दें कि ये सड़कें जो है 15 नवंबर तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फरमान था कि सारे सड़क जो है गड्ढे मुक्त हो जाने चाहिए, लेकिन अभी भी नजारा देखने को मिल रहा है कि किस तरह से वहां पे लोग आवागमन है, जाने में काफी दिक्कत परेशानियां हो रही हैं। अब कहीं ना कहीं ये जो है एक तरह से आईना दिखा रहा है सरकार को ये सड़क जी। अब अभी इसको लेकर कुछ समस्याएं जो देखने को मिल रही हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? उन लोगों का मतलब यही कहना है कि यहाँ के जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी से हैं, इसलिए सड़क नहीं बन रही है जी। क्योंकि जो है यहाँ पर काफी दिनों से, कई सालों से सड़क बदहाल है, और यहाँ के स्कूल में बच्चे आते हैं, गाड़ियां जाती हैं, कभी भी कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कोई अधिकारी लेने की सुन नहीं रहा है जी। मेहताब, इससे जरूर कोई हादसा देखने को मिल सकता है, और वहीं पर अगर लोगों की समस्याएं सुनी जाए तो उनके समस्याएं, उनकी मांगे क्या हैं इस समय? उनकी मांग यही है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 15 नवंबर तक हम इस सड़क को पूरा निर्माण करा देंगे, गड्ढा मुक्त कर देंगे, तो ये सारे के सारे साबित जो है खोखले नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का यही आरोप है कि ये कई वर्षों से पड़ा हुआ है यहाँ पे, अभी तक किसी ने इस सड़क के लिए कोई मतलब वहाँ विधायक और ना कोई अभी तक अधिकारी यहाँ पे अभी तक सुनने के लिए, इनका कोई दुख दर्द सुनने के लिए आया है जी। मेहता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए।
बांदा में पारिवारिक कलह से परेशान होकर पड़ोस में रह रहे रिटायर फौजी ने युवक को गोली मार दी है। गोली युवक के बाएं कंधे पे लगी है और जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। युवक को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर भी कर दिया गया है। मामला नगर कोतवाली अंतर्गत धीरज नगर मोहल्ले का बताया जा रहा है, जहाँ पर गंभीर रूप से युवक घायल बताया जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ बांदा से संवाददाता पंकज त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, रिटायर फौजी ने युवक को गोली मार दिया, किस तरह के हालात हैं? जी, मैं आपको बता दूं, ये मामला नगर कोतवाली अंतर्गत धीरज नगर मोहल्ले का है, जहां देर रात पारिवारिक कलह से क्षुब्ध होकर परिवार में युवक का विवाद चल रहा था अपने भाई से, तो वहीं पड़ोसी ने, रिटायर्ड फौजी ने, युवक को गोली मार दी, जिससे बाएं कंधे में जाकर युवक को गोली लगी और आनंद फानन जो है परिजनों ने उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया और भर्ती कराने के बाद उसको जो है मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। जी जी पंकज, आरोपी फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है अभी? जी जी, मैं आपको और बता दूं कि लाइसेंसी बंदूक से रिटायर्ड फौजी ने युवक को गोली मारी थी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तुरंत ही फौजी को और लाइसेंसी बंदूक को गिरफ्तार कर लिया गया। जी पंकज, घायल की अभी क्या स्थिति बनी हुई है? घायल की स्थिति क्योंकि मेडिकल कॉलेज रेफर है तो कानपुर से अभी उसकी कोई सूचना नहीं मिली। जी जी पंकज, अब आगे की क्या कार्रवाई रह सकती है? जी आगे कार्रवाई यही है कि जैसे ही सूचना मिलती है तो फिर मैं आपको अपडेट करता रहूँ। जी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम जानकारी देने के लिए। हरदोई के अतरौली थाना क्षेत्र में विवाद के बाद एक युवक ने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी है और जिससे उसके भतीजे की गोली लगने से मौत हो गई है, जबकि उसका भतीजा समेत दूसरा युवक घायल हो गया है। युवक कई घंटे तक फायरिंग करता रहा, जिससे अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। उसकी बाइक भी जला दी गई है। मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंची, जिसके बाद आरोपी की किसी तरह बंदूक सहित गिरफ्तार किया गया है। गोली लगने से दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है, उन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर भेजा गया है और घटना के बाद से कस्बे में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं सूचना पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। ये जनपद के थाना अतरौली क्षेत्र में देर शाम को पंपसेट से पानी लगाने के विवाद को लेकर एक मंगलाचरण पांडे नाम के व्यक्ति ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायर कर दिया, जिसमें उसका एक परिवार का भतीजा, उसकी मृत्यु हो गई। एक अन्य भतीजा और एक अन्य युवक वो घायल हो गए छर्रे लगने से। जो घायल हैं उनको ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है, उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। खबर पर हमारे साथ हरदोई से हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से मामला सामने आया है कि चाचा ने फायरिंग की और भतीजे की इसमें मौत बताई जा रही है, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए। जी, ये पूरा मामला जो है हरदोई थाना क्षेत्र के अतरौली का है। यहाँ पे जो है मामूली विवाद के चलते पड़ोस चाचा ने अपने भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी और इसी में दो अन्य लोग जो है घायल हो गए, जिनको ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है, वहाँ उनका इलाज किया जा रहा है। जी जी आसिफ, ये मामला शुरू क्यों हुआ, विवाद आखिर था क्या इसमें? ये खेत में पानी लगाने को लेकर हुआ है, जो टिब्बुल होता है उस पर पानी लगाने को लेकर पड़ोसी से विवाद हुआ था और उसके बाद जो चाचा है उसने वो घर पहुंचा और शराब के नशे में था चूंकि, और उसने छत के ऊपर चढ़ने के बाद काफी फायरिंग की, जिसमें जो है चाचा की जो है भतीजे की मौत हो गई है और बाकी दो अन्य घायल हैं। जी आसिफ, बड़ा सवाल इसमें ये भी उठता है कि आखिर आरोपी चाचा के पास बंदूक आई कहाँ से, और ये जो गोली चलाई गई है पूरी वारदात हुई है, इसमें दो लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, उनकी स्थिति भी क्या है वो भी बताइए, और इसके साथ ये भी जानकारी दीजिए कि यह गोली कैसे लगी है। जी आपको बताना चाहूंगा, ये जो बंदूक से गोली चलाई गई है वो लाइसेंसी बंदूक थी, वो उसी के नाम थी चूंकि, और उसी से गोली जो है अंधाधुंध उसने फायरिंग की, जिससे जो है
तीन लोगों के गोली लगी, जिसमें एक की तो मौके पर ही मौत हो गई। अन्य जो दो घायल थे उनको जो है लखनऊ ट्रामा सेंटर भेजा गया, जहां उनका जो है इलाज चल रहा है। हालांकि उनकी स्थिति भी अभी गंभीर बनी हुई है। जी मोहम्मद आसिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा अपने एक दिवसीय भ्रमण पर श्रीनगर पहुंचे और इस दौरान ही उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ भेंट की है और साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को आने वाले नगर निगम चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर वार्ता की है। और इस दौरान ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जनता को अंधेरे में रखने का काम कर रही है, इसका जीता जागता उदाहरण विधानसभा भर्ती घोटाले है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार को विधानसभा अध्यक्ष को कमेटी द्वारा बनाई गई रिपोर्ट को सार्वजनिक कर जनता से अपने कृत्यों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। महारा यहां नहीं रुके और उन्होंने ये भी कह दिया कि डीजीपी अशोक कुमार को तुरंत पद से हटाए जाने की मांग भी उन्होंने कर दी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के डीजीपी सही से प्रदेश में कानून व्यवस्था का पालन करवाने से असफल रहे हैं। परिणाम स्वरूप आज तक अंकिता भंडारी के मामले में वीआईपी के नाम पर खुलासा नहीं हुआ और पुलिस के सामने से भी रिजॉर्ट को आग के हवाले कर दिया गया, सबूत मिटा दिए गए और आज पुलिस कह रही है कि उनके पास अपराधियों के खिलाफ ठोस सबूत नहीं है। इसकी सारी जिम्मेदारी प्रदेश के पुलिस मुखिया को लेते हुए सस्पेंड कर देना चाहिए। अंकिता हत्याकांड को लगभग एक महीने का समय हो गया है, अभी तक आरोपियों को सही सजा नहीं मिल पा रही है। माता पिता आज भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो एक मंथन शिविर बीजेपी का चला मसूरी में, जिसमें अधिकारियों के काम न करना, हिल हुज्जत करना, लाल फीता शाही, सब चीज़ पर टिप्पणियाँ हुई। चीफ सेक्रेटरी से लेके मुख्यमंत्री ने तक कहा कि तेरी फाइल मेरी फाइल का झगड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक ऐसा अधिकारी इस प्रदेश में बैठा है जिसके कहते यहाँ की कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। एक जमाने में उत्तराखंड वासियों की प्रमुख आवाज बनकर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग राज्य बनाए जाने की मांग पर सालों सड़कों से लेकर दिल्ली तक आंदोलन करने वाला उत्तराखंड क्रांति दल राज्य की राजनीति में धीरे धीरे हाथियों पर जाता रहा है। आपको बता दें कि हर बार यूक्रेडी का जन समर्थन बढ़ाने के पार्टी के ही कार्यकर्ता तत्पर रहे हैं, लेकिन असफलता नहीं मिली है। इसको लेकर सफलता नहीं मिली है और अब तक एक बार चमोली जिले में नई जिला कार्यकारिणी के गठन के बाद यूकेडी फिर से लोगों के बीच मजबूत होने के लिए हाथ पांव मार रही है। और इसी सिलसिले में उत्तराखंड क्रांति दल का जिला चमोली कार्यकारिणी की बैठक ब्लॉक थराली में हुई और जिसमें चिन्नत मंथन के बाद पूजा दान को महिला अध्यक्ष की कमान सौंपी गई और साथ ही साथ नारायण बगड़ ब्लॉक के ही अध्यक्ष माही चमोला, थराही ब्लॉक अध्यक्ष राकेश शाह और देवाल ब्लॉक अध्यक्ष खिलाफ सिंह बागली और दिनेश प्रसाद गोट को चंदानगर घाट से ब्लॉक अध्यक्ष घोषित किया गया। की थी और इसका लक्ष्य ये है कि हमारा लक्ष्य ये है कि घर घर से हमें अपने पहाड़ों के लिए आवाज़ उठानी है और हमें अपनी जो ये पार्टी है उत्तराखंड क्रांति दल उसको सपोर्ट के रूप में खड़ा करना है ताकि हमारे पहाड़ सुरक्षित रहें। आज हमारे पहाड़ों की मिट्टी भी बिक गई है। आदेश है जो जिन आदेशों पर जिला नई कार्यकारिणी का संगठन होना है, आज हम यहाँ पर तमाम जो थराली ब्लॉक से, देवाल ब्लॉक से और नारायण ब्लॉक से और महिला प्रकोष्ठ की जो हमारी अध्यक्षा चुनी गई हैं, तो ये सभी लोग यहाँ पे मनोनीत हुए हैं और साथ साथ में हमारी तमाम जो यहाँ पे जनहित की जो बातें हैं, भू कानून की जो बातें हैं, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, चाहे हमारा राजधानी गैरसैंण की बात हो, चाहे घर घर रोजगार की बात हो, तो ये तमाम इन मुद्दों पर आज यहाँ पे वार्तालाप हुई है और सभी जो यहाँ पे देवाल और नारायण बगड़ और थराली ब्लॉक के अध्यक्ष को घोषित किया गया है। जो आपने रेफरेंस दिया उस समय ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी वाले कहते थे कि उत्तराखंड बनेगा आप लोग क्या खाएंगे, मैं नारा दिया था कोदा झौरा खाएंगे उत्तराखंड राज्य बनाएंगे। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात उत्तराखंड क्रांति दल के सत्ता में ना आने के, जब बहिष्कार किया राज्य नहीं तो चुनाव नहीं।
उत्तरकाशी के मोरी पुलिस ने सुदूरवर्ती क्षेत्र सांकरी में एक बांग्लादेशी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को इस संदिग्ध युवक के पास से ना तो वीजा और ना ही पासपोर्ट मिला था। युवक से पूछताछ करने पर युवक ने एक पहचान पत्र दिखाया, जिससे युवक की पहचान मोहम्मद तारिक पुत्र रिझाउल निवासी कोशेर ढाका बांग्लादेश के रूप में हुई है। और वही युवक कैसे साकरी तक पहुंचा, इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने युवक के विरुद्ध बिना पासपोर्ट और वीजा के भारत में प्रवेश करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। और इसी खबर पर हमारे साथ उत्तरकाशी से संवाददाता सुमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, युवक मिला है और संदिग्ध युवक की अब गिरफ्तारी भी हो चुकी है, पूरा मामला क्या है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये एक मोरी सांकरी में ये युवक मिला है, जिसके कारण सुरक्षा एजेंसियों में एक हड़कंप का माहौल है, क्योंकि इतने चेक पोस्ट आते हैं और ये बांग्लादेश के युवक बताए जा रहे हैं, जिसपे ना पासपोर्ट है ना इसके पास कुछ प्रूफ है। तो ये वहाँ पर संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस द्वारा यहाँ पर जैसे स्थानीय लोगों को इसकी जो भाषाएं थे उसको पकड़ने में काफी दिक्कतें हो रही थी। तो जो स्थानीय लोगों ने, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने पुलिस प्रशासन को इसके बारे में जानकारी दी और इसको पुलिस मोरी सांकरी पुलिस को इसको हवाले किया। जी जी सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। पौड़ी जिले के गुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास में एक छात्र के कमरे के दरवाजे पर सर तन से जुदा पोस्टर चस्पा होने पर पौड़ी में ही हिंदू संगठनों का आक्रोश जताया है। विश्व हिंदू परिषद के ही जिला अध्यक्ष महेंद्र जसवाल के नेतृत्व में ही हिंदू संगठनों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, मामले की जाँच की मांग की है। उन्होंने आशंका जताई है कि शरारती तत्व कॉलेज और शहर का माहौल खराब करने चाहते थे और इसको लेकर ही उन्होंने कहा कि मामले की जाँच होना आवश्यक है। उन्होंने आदेश जताया, अंदेशा भी ये भी जता दिया है कि संबंधित मामले के तार आतंकवादी और देशद्रोही गतिविधियों से ना जुड़े हों। और इस दौरान ही हिंदू संगठनों का कहना था कि देवभूमि उत्तराखंड की शांतिवादियों में ही इस तरह की गतिविधियां होना पूरे कॉलेज कैंपस में भय का माहौल बना रहा है। हिंदू संगठनों ने ज्ञापन सौंपते हुए जिलाधिकारी से मामले में कठोर कार्रवाई की मांग की, तो वहीं जिलाधिकारी द्वारा पुलिस प्रशासन को मामले की जांच को लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं हिंदू संगठनों द्वारा एसएसपी से भी मुलाकात की गई और उचित कार्रवाई को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। एसएसपी श्वेता चौबे ने जानकारी देते हुए बताया है कि मामले में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आगे की जाँच की जा रही है। आपको बता दें, पौड़ी से खबर है जहां पर मामला सामने आया, हिंदू संगठनों ने अब आक्रोश जता दिया है। बताया जा रहा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास में पोस्टर लगा है, जिसको लेकर ये विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जन समस्याओं और शिकायतों का स्थानीय स्तर पर निस्तारण के लिए जिला अधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में कपीरी पट्टी के दूरस्थ गांव कंडारा में ही बहुउद्देशीय शिविर आयोजन किया गया और शिविर में क्षेत्रीय जनता ने 42 शिकायतें दर्ज की हैं, जिसमें से अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। शिविर में विभागीय स्टॉलों के माध्यम से ही 455 अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया है और इस दौरान ही अधिकारियों ने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण भी किया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से आम जनता की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निस्तारण करके उनका प्रयास किया गया है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि क्षेत्र भ्रमण के लिए रोस्टर निर्धारित करें और जनता के बीच जाकर समस्याओं का समाधान करना सुनिश्चित करें। कपीरी क्षेत्र विकास खंड कंडप्रयाग में आज बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया। करीब 42 शिकायतें प्राप्त हुई, अधिकांश शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। समस्त विभागों द्वारा प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई गई है और मेरा सभी से अनुरोध है और मैंने अनुरोध भी किया है कि यहाँ की जो जनता है उसका लाभ ले रही है और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लोग लाभ लें। इसी क्रम में हम हर माह हम ऐसा एक बहुउद्देशीय शिविर और स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित करते हैं, तो प्रतिनिधि
सदियों से जनता से मेरा अनुरोध है कि इसका लाभ लें। चले रुक करते हैं अगली खबर की ओर। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के अंतर्गत हरिद्वार को नशा मुक्त करने के लिए एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह द्वारा मुहिम को आगे बढ़ाते हुए कोतवाली मंगलौर पुलिस द्वारा लिब्बर हेड़ी गांव में ही जनता को जागरूक करने के लिए चौपाल आयोजित की गई, जिसमें एसपी देहात और स्वीमिन किशोर ने ही ग्रामीणों से जनसंवाद किया और चौपाल में वीडियो से लेकर लोगों को नशे के विरुद्ध ही चलाए जा रहे ड्रग्स की देवभूमि 2025 अभियान के तहत ही जागरूक करते हुए नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया है और साथ ही साइबर क्राइम उत्तराखंड पुलिस ऐप डाउनलोड करने और उसमें निहित अन्य ऐप जैसे गोरा शक्ति और साइबर शिकायत सत्यापन EFIR ऐप का भी इस्तेमाल करने और यातायात नियमों के अनुपालन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है। तो मंगलौर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर चौपाल का आयोजन किया गया है और इसमें भारी संख्या में लोग मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि इस चौपाल में बड़े बुजुर्ग और बच्चों सहित काफ़ी लोग वहाँ पर मौजूद रहे। ड्रग्स फ्री देवभूमि के नाम से मिशन 2025 के अंतर्गत हरिद्वार को नशा मुक्त करने के लिए ये आयोजन किया गया। आपको बताते चलें कि यहाँ पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे, महिलाओं के साथ पुरुषों की भी बड़ी भागीदारी इसमें नजर आई है। बता दें कि ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के अंतर्गत हरिद्वार को नशा मुक्त करने के लिए ही एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह द्वारा मुहिम को आगे बढ़ाते हुए कोतवाली मंगलौर पुलिस द्वारा ही लिब्बर हेड़ी गांव में जनता को जागरूक करने के लिए चौपाल आयोजित किया गया, जिसमें एसपी देहात किशोर ने ही ग्रामीणों से जनसंवाद किया है। हमारे पुलिस टीम के द्वारा लोगों को साइबर अपराधों से बचाव और सुरक्षा हेतु नशे से के मकड़जाल में फंसने से बचने के लिए और नशा मुक्त भारत ड्रग्स मुक्त फ्री देवभूमि मिशन 2025 के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।